आप तो यही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये खवातीन उम्र बड़ी छुपाती है माशाल्लाह। हेलो आ गया आपके लेकिन जमहूरियत के बावजूद मेरा माइक बंद कर दिया गया था। सर आप देख रहे हैं ना यहाँ ऐसा हो रहा है, तो ये आप नोट कीजिएगा मेरी कंप्लेंट। काशिफ आपके लिए कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे काशिफ? मैं तो दरमियान में बस भाई भाई महसूस कर रहा हूं। आई थिंक यू आर द लकी मैन टुडे। आप लोग अपनी तालियों से बताइए काशिफ जो है वो कितने लकी आज स्टेज पे इस तरह खड़े हैं माशाल्लाह से। और जो पीछे सीन है वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि कायदे आजम का मकबरा, ये कराची की ऐसी पहचान है कराची की कि जब भी लोग कराची आते हैं तो स्पेशली दे वॉन्ट टू विजिट हियर। इसी बात पे मैं एक शेयर जो है वो जरूर शामिल करूंगी। हाँ, जरूर, मैं जरूर शामिल कर सकती हूँ। आप लोग की इजाजत है। बिल्कुल कीजिए। मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। बिल्कुल शेयर जरूर आप कहिए। बिल्कुल कहिए। ये नफरत बुरी है ना पालो इससे। ये नफरत बुरी है ना पालो इससे, दिलों में खलिश है निकालो इससे। ना सिंधी बलोची पंजाबी पठान, ये सबका वतन है बचा लो इससे। क्या बात, क्या बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, बहुत खूब माशाल्लाह। हम कायदे आजम की बात कर रहे हैं और कायदे आजम के तीन कीमती असूल जो उन्होंने उस वक्त हमें बताए थे जब लोग नए नए माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, बहुत मुश्किलात में से गुजर रहे थे, अपना सब कुछ इंडिया में छोड़कर आए थे, तब कायदे आजम ने एक बात कही थी, ईमान इत्तेहाद तंजीम यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। जिस बिल्डिंग की बुनियाद, जिस इमारत की बुनियाद इन तीन सतूनों पे मौजूद होगी, उस इमारत को कोई नहीं गिरा सकता। देयर इज नो पावर दैट कैन अनडू पाकिस्तान। वेरी श्योर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल सच कहा फरीहा ने और ये राफिया ने, आई एम सॉरी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आज के दिन हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे स्टार हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। और अगर आप उनकी मेहनत के पीछे देखें तो वो तमाम वसाइल जो आज हमारे पास मौजूद हैं वो उस दौर में मौजूद नहीं थे। अगर कोई चीज़ थी तो वो थी डेडिकेशन, उनकी डिवोशन और जज्बा ईमानी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये अर्ज़ वतन पाकिस्तान हासिल किया। और आज के इस मौके पर हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि रब मुझे हम सबको तौफीक दे कि हम अपना किरदार, मस्बत किरदार जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अदा कर सकें। आमीन। क्या बात है, आप दोनों एंकर्स हैं माशाल्लाह। और आपने आपने आकर के इस माहौल को अपना बना लिया है। और आजकल की एंकर्स की जो खास बात है वो यही है कि अगर वो पॉलिटिकल शोज करती हैं तो फिर वो जो प्राइम टाइम है वो सारा रेटिंग जो है वो उन्हीं के हिस्से में आ जाती है। आप थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं काशिफ, मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी रेटिंग चाहिए थोड़ी सी, तो मैं क्या करूँ। मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम ना लेते रेटिंग तो सारी आपकी होती। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। तो बहरहाल खवातीन यहाँ पर है और वहाँ सामने भी खवातीन है, तो इसलिए खवातीन को यहाँ बोलने का मौका ज्यादा मिल रहा है। और चूंकि मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे भी देखना चाहता हूँ, तो नॉर्मली जो स्टैंड अप कमेडियंस जितने भी होते हैं वो ख्वातीन के लिए कोई ना कोई बात जरूर कर जाते हैं। ठीक है, तो आप भी कहिए कुछ। अब चूंकि मैं बजाते खुद अब विक्टिम तसव्वुर कर रहा हूँ, अपने आप को मजलूम मजलूम सा महसूस कर रहा हूँ, तो इसलिए। जी जी, आप मजलूम तो नहीं है? नहीं, मजदूर हूँ इस वक्त। मुझे तो आप कंप्लीट मुजरिम लगते हैं। वो मुलजिम नहीं, वो देखिए आपको राफिया ने मुलजिम नहीं कहा, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि अब आप मुजरिम है, यहाँ मामला हो गया खराब। अरे भाई बात उर्दू की हो रही, मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। इन्होंने मुझे मुलजिम करार दे दिया, आपने मुजरिम। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। लाजिम और मलजूम वो एक अलग चीज होती है। बहरहाल उर्दू की मैं बात कर रहा था, मुझे उर्दू बोलने का बहुत शौक है जी। मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया है। क्या बोलते थे आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया है। जैसे कि लाइटर, मैंने लाइटर का उर्दू तर्जुमा किया आलाए फरोगे आतिश। वाह। और मोबाइल फोन का उर्दू तर्जुमा गश्ती आलाए गुफ्तशनीद। क्या बात है, वेरी क्रिएटिव काशिफ, वेरी क्रिएटिव। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें उर्दू बोलने का शौक होता है, लेकिन वो कभी उस शख्स से नहीं बोलते जिसको आती हो। अच्छा, मुझे एक गाने की जरा उर्दू ट्रांसलेशन बताएं। जी नहीं, मैं अभी पहले ये वाली बात होने नहीं चाह रहा। अच्छा, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें उर्दू बोलने का शौक होता है ना, हाँ। तो वो हमेशा उस शख्स से बोलेंगे जिसको नहीं आती। वो एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था, उससे कहने लगे, बोले भैया आप अददन बेचते हैं या वजनन? बोला भाई मैं खरबूजे बेचता हूँ। रिक्शा वाले से कह रहे हैं, बोल रहे इदारा फराहमी आप ले चलो। उन्होंने कहा ये कहा भाई? बोले आपने वाटर बोर्ड नहीं देखा? तो बोला उर्दू में कहिए ना वाटर बोर्ड।
तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी सीधी होती है, ऐसे करके बोलते हैं ना, पैसे दे दो, पेप्सी, कैमरा, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, गाना गा रहे, गाना बड़ा मुश्किल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बोले डॉलर दिया, पौंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसे। मैंने कहा गाना बदल ले भाई, पता है प्रॉब्लम है, कुछ और गाओ। अच्छा गाना बदला, गजल शुरू कर दी, और गजल भी कौन सी, बोले ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, आगे जाके फंस गए मगर मुझको लौटा दो। मैंने कहा भाई वो लौटा दो है, और वैसे भी जिस चीज का सवाल किया है भरी महफिल का आइटम नहीं है। उर्दू बोलने का इतना शौक, बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, नुमान और रेहान हुए। बहुत शुक्रिया आप पब्लिक का लाफ्टर से आप अंदाजा लगा लें। खवातीन जो है, अच्छा खवातीन एंजॉय कर रही हैं, साथ ये भी देखें। काशिफ आप मेरा सवाल एक वो जी जी बताइए, जदू होली जई लेना, मेरा नाम है था मर जानिया, उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए, जब तुम हल्के से मेरा नाम लेते हो मैं जाए वकू पे ही इंतकाल फरमा जाती जी। तो वो हम ऐसे पीछे डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल खवातीन आप मौजूद रहिएगा, एक छोटी सी दो चार बातें मैं कर लेता हूं आपकी इजाजत से। ये मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में जब से आया है, हमारी ज़िंदगी भी मोबाइल हो गई है, और इसी ज़ुबान में बातें भी होने लगी। मेरे एक दोस्त पेट पकड़े घूम रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ, बोला भाई आउटगोइंग ब्लॉक हो गई है। एक और थे वो लोटल ये घूम रहे थे, उनकी आउटगोइंग फ्री थी। अच्छा इसी ज़ुबान में बातें हो रही है मेरे साथ।